चुनाव से पहले ही हरियाणा में बीएसपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है, जिसके बाद जननायक जनता पार्टी अब प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। पूर्व सांसद और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने यह दावा किया है। कैथल में युवा हुंकार रैली में पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। बसपा ने गठबंधन तोड़ा और किस इच्छा के साथ तोड़ा उसके ऊपर जवाब तो शायद मायावती जी ने दे दी। हमारे साथ तो जो बात हुई थी वो 40 सीट बसपा लड़ेगी, 50 सीट पे हम लड़ेंगे और सहमति के साथ उन सीटों का बंटवारा भी। उनके मन में उसके बाद क्या बात आई, क्या कोई कानूनी ताकतों के दबाव में उन्होंने निर्णय लिया, इसके ऊपर मैं टिप्पणी करूं उससे बेहतर है बसपा के साथ हम 90 सीटों पर मजबूती से। इतना ही नहीं, दुष्यंत चौटाला ने जहां एक तरफ बेरोजगारी अपराध जैसे तमाम मामले न दिखाने पर मीडिया को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। आज कोई ये नहीं दिखाता कि कितनी कंपनियों से गुड़गांव में लोगों को बेरोजगार होना, हजारों हरियाणा के बच्चों को बेरोजगारी का झटका हरियाणा हरियाणा में झेलना पड़ा। अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की रैली जहाँ ये कह रहे थे कि लाखों लोग आएंगे उसके अंदर हजारों लोग भी ना आना, ये साबित कर देता है कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो चुका। दुष्यंत चौटाला जहां एक तरफ हरियाणा में जेजेपी के लिए सियासी जमीन तैयार करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की कमियों को भी उजागर कर रहे हैं। अब हरियाणा में किसकी मेहनत रंग लाती है और सत्ता का ताज किसके सर सजता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। R9 TV के लिए कैथल से रेणु धीमान की रिपोर्ट।